इसके साथ साथ आपके सामने दिखा है, जब मैं कहता हूँ कि ये करप्शन का स्लीपर सेल है, तो आपको दिखा है कि अभी साहू जी जो यहाँ के सांसद थे, उन्होंने इतना, उनके पास से इतना पैसा पकड़ा है कि देश का इतिहास में एक किसी घर से इतना बड़ा रेट में पैसा नहीं मिला है। आपको मालूम है, मशीनें थक गई, लोग काउंट करते करते थक गए, दिन से रात खत्म होता गया, 14-14 दिन तक लगातार काउंटिंग चलता रहा, फिर भी पैसा खत्म नहीं हुआ। 500 करोड़ से ज्यादा कैश है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, किसी नेता के बाप का पैसा नहीं है, ये गाड़ी कमाई का पैसा, एक जनता का पैसा है, और जनता के हित में खर्चा होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के नेता के घर में इतना पैसा मिलना चाहिए। ये जनता के हक हलाल की कमाई को कहीं ना कहीं ऐसे नेता, करप्ट नेता इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने बपौती पैसा समझते हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, चाहे हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, चाहे उसके और दूसरे पार्टी में उनकी भागीदारी हो, लेकिन सबके पर नजरें हम जो है एजेंसी बना के रखी हुई है। ये जितने काले करने वाले जो लोग हैं और जितना करप्शन करने वाले लोग हैं, उन पे कार्रवाई तो ज़रूर होगी। आपको पता है कि कुछ अधिकारी भी जेल में हैं, उनको अभी तक बेल नहीं मिला है, और बेल मिले भी कैसे, इसलिए कि कितना संगीन चार्ज है उनके खिलाफ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो उन्हें, जिन्हें ऐसा लगता है कि यह सरकार जिंदगी भर उनके साथ यही सरकार रहेगी, करप्शन में उनका सिर्फ, जैसे हेमंत सोरेन का सिर्फ हाथ नहीं पूरा बॉडी करप्शन में लिप्त है, उसी तरह उस पूरे करप्शन को अंजाम देने में कई अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ऐसा नहीं कि बराबर रहने वाली है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अधिकारी होने के नाते, उसको निभाने के बजाय आप करप्शन के कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट बन गए हैं, और इशारे पे आप करप्शन जिस तरह से कर रहे हैं, पूरी जो दस्तावेज, पूरा रिकॉर्ड और पूरा जो डिटेल्स है वो सरकार के पास है, वो एजेंसीज के पास है, एजेंसीज अपना काम कर रही है, और ऐसे लोग मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नहीं बचेंगे। इन लोगों के लिए ही सलाखों के पीछे इनको भी जाना पड़ेगा, जैसे और लोग गए हुए हैं और उन्हें बेल भी नहीं मिल रहा है, इसलिए कि चार्जेस बहुत संगीन है। अब आप देखिए, 6-6 समन्स आ चुके हैं हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जो है 6 समन्स के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर का तो यहाँ बुरा हाल है। आप देखिए किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, यहाँ पर आए दिन बलात्कार होता है, यहाँ पर दिन दहाड़े मर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, ये तो खुद ही भगोड़ा करप्ट चीफ मिनिस्टर है, जिसको ईडी बुलाती है, 6 बार बुला चुके हैं, 6 बार उन्होंने वो अपेयर नहीं हुए। इससे समझ में आता है कि उन्होंने जो करप्शन किए हैं उसके जवाब देने के लिए उनके पास कोई अल्फाज नहीं है जिसके बारे में वो जवाब दे सके। वो जानते हैं कि इनके पास जो दस्तावेज दिखाए जाएंगे, चाहे लैंड के बारे में जो करप्शन किया, लाखों करोड़ों का करप्शन किया है, या फिर आपने जो माइन से रिलेटेड करप्शन किया है, जो कोयला से रिलेटेड करप्शन किया है, चाहे आप बालू से रिलेटेड करप्शन किया, जितने तरह के करप्शन किए, सबका प्रूफ है। और जब प्रूफ दिखाया जाएगा हेमंत सोरेन को और उनके कुछ अधिकारियों को, तो उनके पास फेस करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसलिए वो भाग रहे हैं। ये भगोड़ा चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कब तक भागेंगे? सरकार के हाथ लंबे होते हैं, और जब आप करप्ट किए हैं और आपका पूरा हाथ नहीं, पूरा शरीर जो है करप्शन में लिप्त है, आप एक दिन सलाखों के पीछे अपने आप को पाएंगे ही। देखिए, किसी भी सरकार को जो की चिंता वहाँ की जनता होनी चाहिए, वहाँ के नौजवान होने चाहिए, वहाँ के महिलाएं होने चाहिए, वहाँ के बुजुर्गों होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ना संविधान का चिंता है, ना संवैधानिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चिंता है, और ना तो जनता की चिंता है, ये तो सिर्फ परिवार की चिंता है। तो ऐसे परिवारवाद वाले लोग और जो करप्ट लोग हैं, उनको जनता सही रास्ता दिखाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन जो अधिकारी उनके साथ खड़े हैं और इस पूरे चीज़ के लिए आर्किटेक्ट बने हैं, उनको भी जो है कानूनन कार्रवाई उन पर भी होगी,
और जो उनके साथी कुछ लोग ऑलरेडी जेल में हैं, कुछ साथी जरूर उनके जो आने वाले दिनों में अपने आप को जेल के हवालात के पीछे ही पाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री जो भाग रहे हैं, ईडी में अपेयर नहीं हो रहे हैं, ये सोचते हुए कि ईडी से अपेयर नहीं होने से उनका काम चल जाएगा, तो ये उनको उनके मुझे लगता है कि नासमझी है। ईडी और एजेंसीज अपना काम करेगी और आने वाले दिनों में आपको इस पूरे जो इनके काले कुकर्मी कार्रवाई उन्होंने जो काम किए हैं उसका ब्यौरा लेके एजेंसीज अपने सामने उनके सामने खड़े रहेगी। लेकिन इनको फेस करने में जो तकलीफ आ रही है इसलिए कि उन्होंने इतना करप्शन किया है कि आज उसके लिए जवाब देने के लिए उनके पास कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं कि कैसे जवाब दें, इसलिए वो भागे भागे चल रहे हैं। लेकिन वो भागते नहीं, बहुत दिन तक भाग नहीं पाएंगे, जल्दी ऐसा होगा कि उनको एडी के ऑफिस में आके जवाब देना ही पड़ेगा। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।